आज हम देखेंगे गेम स्टिक लाइट 4K का मेमोरी कार्ड किस तरह से तैयार किया जाता है। आपको सबसे पहले इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड कर लेनी है, जैसे कि DB ब्राउज़र फॉर एसक्यूएल लाइट, डिस्क जीनियस प्रो, गेम स्टिक लाइट 4K, रूट SD डिस्क टूल। यह सभी फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले मैंने ये मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। कंप्यूटर 2 GB का पेन ड्राइव अटैच किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 2 GB का पेन ड्राइव है। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ और वापस उस फोल्डर में जाइए। यहाँ पे सबसे पहले SD डिस्क टूल, इस पर राइट क्लिक करें, ओपन विथ विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करें, यहाँ से टिक मार निकाल ले एक्सट्रैक्ट। यहाँ से मैं क्लोज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा SD डिस्क टूल, इस फोल्डर में जाइए और यह प्रोग्राम चालू करें, SD फ्रेमवेयर टूल यस करें। यहाँ पे आपको अपना मेमोरी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे SD बूट पे टिक करें, फ्रेमवेयर पे क्लिक करें और जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसमें से गेम स्टिक लाइट 4K ये एक इमेज फाइल है, यह फाइल ओपन करें और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करें और यस करें। ओके कर दीजिए और यहाँ से ये प्रोग्राम क्लोज करें। ये मैं फिर से मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब आपको कंप्यूटर में पेन ड्राइव नहीं दिखेगा। इसके बाद आपको वापस से बैक जाना है और यहाँ पे डिस्क जीनियस प्रो नामक फाइल दिखेगी, उस पर भी राइट क्लिक करें, ओपन विथ विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट फाइल्स एक्सट्रैक्ट। वापस से ये क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आपको डिस्क जीनियस नामक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाइए और यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए। ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा है। यहाँ से मैं बैक जाता हूँ और ये मिनिमाइज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको आइकन दिखेगा डिस्क जीनियस का, उस पर ये ओपन करें, यस करें। आपको यहाँ आपका मेमोरी कार्ड दिखेगा 2 GB का, ये मेरा 2 GB का है तो यहाँ पे 2 GB दिखा रहा है। यहाँ पे आपको कुछ पार्टीशन मिलेंगे, इसको पार्टीशन कहते हैं। यू बूट पहला पार्टीशन है, उसके बाद है ट्रस्ट, बूट, रूट FS और पार्टीशन 4। तो हमें ये 4 पार्टीशन को कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है वह पार्टीशन 4 में करना है। तो सबसे पहले उस पर राइट क्लिक करें और डिलीट करंट पार्टीशन पे क्लिक करें, यस करें। यहाँ आपको दिखेगा फ्री, तो इस पर राइट क्लिक करें, क्रिएट न्यू पार्टीशन पे क्लिक करें और यहाँ FAT32 चुने और यह टिक मार निकाल ले और ओके बटन दबाइए। इसके बाद सेव ऑल पे क्लिक करें, यस यस। फिर
फिर से पार्टीशन 4 पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें उस पर, पहले क्लिक कर लीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करें, फॉर्मेट करंट पार्टीशन पे क्लिक करें, और यहाँ FAT32 और यहाँ जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वह सिलेक्ट करें, और ये असाइन ड्राइव लेटर ये टिक मार निकाल ले, और फॉर्मेट यस। अब आपको ये जो 4 नंबर का पार्टीशन है यहाँ, तो पहले इस पे क्लिक करना है, उसके बाद फाइल पे क्लिक करना है, यानी जो भी डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। तो यहाँ फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हमें जो गेम की जो मेन फाइल है वो पहले इसमें कॉपी करनी है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा रूट जिप नामक फाइल, उस पर राइट क्लिक करें, ओपन विद विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट, ये होने के बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए। वापस उस फोल्डर में आपको रूट नामक फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर में जाइए, यहाँ पे मिनी GUI, रेट्रो लिप, रेट्रो आर्च नामक ये जो 3 फोल्डर है ये मेन फोल्डर है गेम की। तो यह हम सबसे पहले इस ड्राइव में डालेंगे। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं चलता, तो हम डायरेक्ट फोल्डर को ड्रैग करके इसमें डाल देंगे और यस कर देंगे। और कंप्लीट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको दिखेगा एक फोल्डर आ गया है, उसी तरह से हम दूसरा फोल्डर डालते हैं, यस। फिर कंप्लीट पे क्लिक करें, उसके बाद रेट्रो आर्च नामक फोल्डर हम डालेंगे, यस। कंप्लीट, और जो आखिर का फोल्डर है गेम्स, अब इस फोल्डर में जाइए, यहाँ पे आपको गेम के टाइप्स मिलेंगे, अटारी, CPS, FC, GB, GBA, GBSC, MD, PS1, ESFC, और ये 2 फाइल है, इसमें से मेन फाइल है ये गेम्स DB नामक। अगर आपने कोई भी गेम अगर पेस्ट किया इस फोल्डर में, यानी रोम, गेम के रोम्स, और आपने गेम स्टिक पे लगाया तो वह चलेगा नहीं या फिर दिखेगा नहीं। तो इन्हीं सब गेम का डेटा इस फाइल में होता है गेम्स DB नामक। यहाँ पे मैं बैक कर लेता हूँ बैक, और ये सॉफ्टवेयर आपको यानी राइट क्लिक करके ओपन विथ विंडोज एक्सप्लोरर पे क्लिक करें, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए,
मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट करके डेस्कटॉप पे आइकॉन रखा है। ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल नहीं करना है, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट सॉफ्टवेयर है। तभी मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, ओपन विद विंडोज एक्सप्लोरर, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट। यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यह आपको फोल्डर दिखेगा, डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएल लाइट। यह फोल्डर ओपन करें। यहाँ पे आपको प्रोग्राम मिलेगा, डीबी ब्राउजर फॉर एसक्यूएल लाइट। यह प्रोग्राम ओपन करें। ये मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। और यहाँ जो रूट नामक गेम्स नामक फोल्डर है, अब इसमें एक भी गेम नहीं है, मतलब किसी भी फोल्डर में एक भी गेम नहीं है फिलहाल। अब मुझे गेम डालने हैं, तो यहाँ पे मैंने गेम्स नामक एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे, और ये जीबीए के दो गेम्स हैं, और ये इनके थंबनेल है, ये और ये। तो ये किस तरह से काम करते हैं पहले वो समझिए। जो भी गेम्स फाइल का नाम है, वही नाम आपको कॉपी करके जो भी उसका थंबनेल है उसका नाम भी सेम होना चाहिए। यानी ये क्लासिक जीबीए फाइल है और ये जेपीजी फाइल है, इस तरह से। यानी ये आइकॉन यानी पिक्चर आपको गेम के साइड में मिलेगा जब आप उस पे मतलब उस नाम पे जाते तब। तो यहाँ से मैं ये सब कॉपी कर लेता हूँ। अब इसमें ये गेम है, ये और ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है। ये मैंने ऐसे ही बनाया है चैनल सॉरी देखने के लिए। और जो भी इमेज है वो जेपीजी और पीएनजी में ही होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस रूट फोल्डर के गेम्स में ये जीबीए गेम है, तो इसके लिए मैं जीबीए फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब आते हैं मेन डेटाबेस फाइल पे। तो यहाँ पे ये डीबी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ है ओपन डेटाबेस, तो इस पर क्लिक करें। और यहाँ रूट गेम्स और यह फाइल ओपन करें, गेम्स डीबी ओपन। यहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ टेबल है, तो सबसे पहला टेबल है TBLEN, यानी जो भी गेम्स में टाइटल दिखते हैं तो टाइटल की लिस्ट है। तो हम पहले गेम का नाम डालते हैं वन सॉरी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यानी पहला रिकॉर्ड आएगा। यहाँ पे डालता हूँ मैं वन, यहाँ पे डालता हूँ ट्रिक फॉर यू। और यहाँ पे राइट चेंजेस पे आपको क्लिक करना है, यानी वो फाइल यानी जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो डेटाबेस में सेव हो जाए। उसके बाद है, अब मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी मैं जो गेम डालने वाला हूँ वो ये मतलब जो टाइटल है वो टाइटल में डालने वाला हूँ। पहले ट्रिक फॉर यू, ये तो गेम तो नहीं है पन नाम आएगा उस लिस्ट में, गेम के लिस्ट में। यही नाम आपको कॉपी पेस्ट करके डालना है इस डेटाबेस में। तो पहला रिकॉर्ड हो गया, ये दूसरा डालता हूँ मैं। ये आपको जीबीए जो एक्सटेंशन है वो सिलेक्ट नहीं करना है, बस इतना ही कॉपी करें। यहाँ पे पेस्ट, उसके बाद तीन नंबर,
ये मैं रीनेम किस तरह से करता हूँ, तो सिलेक्ट करके F2, ये रीनेम का शॉर्टकट की है F2, यहाँ से कॉपी, यहाँ से पेस्ट, इस तरह से। अब यहाँ पे ये सभी सिलेक्ट करें, कॉपी करें, यहाँ पे TBLEN है तो यहाँ पे TBL को पे क्लिक करें। यहाँ पे हमने तीन रिकॉर्ड बनाए तो यहाँ हम तीन बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे इस तरह से। उसी तरह से मैच है, मैच यानी जो भी आप सर्च करते हो गेम लिस्ट में वो यहाँ से सर्च होता है। अब आपको इसमें स्पेस और कैपिटल लेटर रिप्लेस करना है। इस तरह से ये हो जाने के बाद राइट चेंजेस पे क्लिक करें। पाथ में आपको कुछ नहीं करना है, टोटल में आपको यहाँ पे लिखना है टोटल कितने गेम्स है, तो यहाँ पे तीन और यहाँ भी टाइप करें तीन। फिर से मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद है TW, फिर से हम तीन रिकॉर्ड लेंगे, यहाँ पे पेस्ट, राइट चेंजेस। वीडियो में आपको कुछ नहीं करना है, TBLZH, यहाँ पे तीन रिकॉर्ड पेस्ट, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि यह सेम किस किस टेबल में आपको करना है। TBLEN, TBL को, TBL, TW और ZH में करना है। टोटल में आपको सिर्फ टोटल डालना है कि टोटल कितने गेम्स है। अब जो भी है मेन डेटा कि कौन सा गेम किस मतलब इमुलेटर में प्ले हो और कौन से क्लास में वो गेम दिखे, तो यह सभी जानकारी इस दो नंबर के टेबल में होती है, टेबल गेम। अब आपको मैं पहले तीन बार यहाँ रो बनाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये गेम आईडी, गेम्स के नाम, ये वह नाम है जो आपको लिस्ट में दिखाई देंगे। यहाँ पे सफिक्स यानी एक्सटेंशन देना है कि कौन से प्रकार का गेम है, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं GBA, GBA, GBA। और यहाँ जो भी इसका आईडी है, यही आईडी आपको ZID, ENID, CO ID पे आपको सेम डालना है इस तरह से। यहाँ दो दो तीन तीन तीन, ये आईडी, ये तीन ही आईडी, ये इसके आईडी आपको डालना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 10 है तो आपको यहाँ 10 10 10 लिखना है। अब इसके बाद है क्लास टाइप। क्लास टाइप यानी यहाँ पे आपको साइड में दिखेगा कि क्लास टाइप मतलब किसको कहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लास टाइप डालना है कि वो कौन से क्लास में। यहाँ पे मैंने एक टेबल तैयार किया है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा गेम कौन से क्लास में आएगा और उसका टाइप क्या है और इसका टाइमर क्या है, वो भी फाइल में आपको दे दूंगा।
इसी फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। गेम्स टाइप नामक डेटाबेस है, तो यहाँ पे ये मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ हमारा डेटाबेस, और फिर से ब्राउज़र ओपन करता हूँ। ये और ये हमारा मेन डेटाबेस है। अब यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र में, डेटा ब्राउज़र में वो फाइल ओपन करें। यहाँ पे गेम टाइप डीबी नामक दिखेगी और ओपन करें, ब्राउज डेटा पे क्लिक करें। यहाँ पे मैंने ये आईडी लिए है, दिए है ऐसे ही, ये आपको नहीं डालने हैं। यहाँ पे एम्यूलेटर है, जो भी आपको यहाँ साइड में दिखेगा कि कौन सा एम्यूलेटर में और आपके पास कौन से टाइप की फाइलें, जीपे या एनईएस, जीबी, जीबीए, जीबीएससी, बिन, जो भी यहाँ आपको फाइल का एक्सटेंशन दिखेगा उसका। यहाँ पे मैंने क्लास दिया है, गेम टाइप दिया है, और वह गेम आपको कौन से फोल्डर में पेस्ट कर देनी है, और ये इसका टाइमर आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे ये सब जीबीए है, गेम बॉय एडवांस, तो इसके लिए गेम बॉय एडवांस के लिए है 3 और 7। तो यहाँ पे आपको क्लास टाइप में डाल देना है 3 3 3, और यहाँ पे डालना है आपको 7 7 7 7, और यहाँ पे टाइमर में आपको डालना है /sd card/games/gba। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ सभी में, क्योंकि एक ही टाइप की गेम है जीबीए की। अगर मान लो मेरी PS1 की है गेम है, तो यह मैं पहले गेम्स में PS1 में यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं एक और एक गेम ऐड करूँगा इस लिस्ट में, मान लो GTA 1 गेम है PS2 की, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं यहाँ पे PS2 के एक्सटेंशन रहते हैं IMG या फिर ISO, तो ये आप डाल दीजिए कौन से प्रकार की फाइल है। फाइल का प्रकार जानने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन मिलेगा कि किस प्रकार की फाइल है, फाइल का एक्सटेंशन। तो यहाँ मैं गेम इस PS1 फोल्डर में डाल दूँगा। उसके बाद अगर GTA 1 की अगर ISO फाइल है, तो यहाँ पे डालूँगा ISO यहाँ पे 4 4, और यहाँ पे क्लास टाइप में यहाँ पे ISO के लिए है PS1 के लिए 4 9, तो यहाँ मैं डालूँगा 4 9, और यहाँ हार्ड में आपको 0 0 डाल देना है सभी में, या किसी भी प्रकार का हो गेम यहाँ पे आपको 0 डालना है। और यहाँ PS1 ISO के लिए ये पाथ आपको डालना है, यहाँ से कॉपी कर ले यहाँ पे पेस्ट, और इसी तरह से आपको ये जो टेबल EN जो डिस्प्ले होता है, यहाँ पे भी आपको एक ऐड करना पड़ेगा GTA 1 इस तरह से, और यही चेंजेस आपको टेबल को में भी इंसर्ट कर लेना है। टेबल TW, टेबल ZH इस तरह से आपको डालना होगा। फिलहाल मैं 3 डाल रहा हूँ, तो ये डिलीट कर देता हूँ। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट का बटन है, इस तरह से डिलीट हो जाएगा।
और यहाँ से सेव कर लेता हूँ मैं। अब जो टीबीएल गेम नामक जो टेबल है, इसमें आपको सभी गेम की एंट्री करनी है, तभी वो गेम काम करेंगे, मतलब चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लास और गेम टाइप गलत डालते हो तो वह गेम का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाएगा पर गेम चलेगा नहीं, तो ध्यान में रखिए। ये फाइल मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, गेम्स टाइप नामक फाइल है ये। ये सभी हो जाने के बाद यहाँ से क्लोज करें और ये डेटाबेस का सॉफ्टवेयर क्लोज करें। अब जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो इस फाइल में किए हैं, तो यहाँ पे फिर से हम डिस्क जीनियस सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। या इसमें मैंने ये गेम डाल दिए हैं इस फोल्डर में। अभी आपको गेम नामक फोल्डर इस ड्राइव में ड्रैग करके डाल देना है। यस, ये इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करें और यहाँ से ये सॉफ्टवेयर क्लोज कर दीजिए। अगर आपको कोई एडिटिंग करना है इस सॉरी उस पेन ड्राइव में, तो या डिस्क जीनियस पे क्लिक करें। फिर से आप वह मेमोरी कार्ड लगाइए, पार्टीशन फॉर फाइल्स, और यहाँ जो भी आपको गेम डालना है, मान लो यहाँ पे अगर ये गेम मुझे डालना है तो यहाँ से मैं सिंपल ड्रैग करूँगा जिस टाइप की गेम है उसमें, यानी इसमें अगर डालना है तो यहाँ से मैं ड्रैग करके डालूँगा। और आपको मेन जो फाइल है डेटाबेस की ये वाली, ये आपको पहले राइट क्लिक करके कॉपी टू डेस्कटॉप करें या फिर कॉपी टू कोई भी फोल्डर में आप कर सकते हैं। मान लो कॉपी टू डेस्कटॉप करें तो ये डेस्कटॉप पे आपको फाइल मिलेगी, तो फिर आपको जो भी गेम नए डालने हैं उसमें, ये इस फोल्डर में, तो इसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी उस डेटाबेस फाइल में। तो यहाँ से आप पहले इसको एडिट कर लीजिए। एडिट होने के बाद ये जो फाइल दिख रही है तो इसको डिलीट करें, तो उस पर राइट क्लिक करें, डिलीट फाइल डायरेक्टरी पे क्लिक करें और डिलीट करें। यहाँ से फाइल निकल जाएगी और फिर से यह फाइल आपको जो अपडेट की है आपने वो आपको इसमें ड्रैग करके यस करें। इस तरह से अब मैं आपको यहाँ से मैं सॉफ्टवेयर क्लोज कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे सेफ्टी रिमूव का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा जो आपने मेमोरी कार्ड लगाया है, तो आपको डायरेक्ट पेन ड्राइव निकल के मैं आपको गेम स्टिक लाइट के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कि हमारे गेम के मेनू आए हैं या नहीं। अभी हमारा टीवी चालू हो चुका है, अब लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट नंबर पे ट्रिक फॉर यू, दो नंबर पे है मारियो और तीन नंबर पे है हार्वेस्ट मून। जिस तरह से हम डेटाबेस में एडिट किया था उस तरह से यहाँ पे मैंने एक नंबर का गेम प्ले किया, तो यहाँ पे दिख रहा है मिसिंग गेम फाइल्स करप्टेड फाइल, और यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे आपको क्लास और लिस्ट है, ये दो नंबर का गेम मारियो हम चलाते हैं, तो इस तरह से मारियो प्ले हो चुका है।
इसके बाद हम हार्वेस्ट मून प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पे हार्वेस्ट मून भी चल रहा है। यहाँ क्लास में आपको क्लास दिखेंगे, ये होती है क्लास। अब हम PS1 के गेम नहीं है, तो फिर से मैं क्लास में जाता हूँ और GBA में जाता हूँ। तो यहाँ पे हमें गेम्स दिखेंगे, हिस्ट्री और सर्च में। यहाँ पे हम जो सर्च करते हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगा। जिस डेटाबेस में मैच नामक था फाइल, इस तरह से आप गेम डाल सकते हो गेम स्टिक लाइट में।